नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर छिमलीमा प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे कोरोना कटकणा को स्वास्थ्य मंत्री को बेखातिर झारसुगुड़ा जंघा बड़देव पीठ धार्मिक कार्यक्रम में शह शह लोकों उपस्थिति में नाचिले नवदास लोकों निजे सचेतन करथुवा मंत्री भूलीगले कि गाइडलाइन राज्य में 11,000 टपिला दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे 11,177 पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 3,424 सेबड़े काली ओडिशा आसिब ओमिसियोर किट सहजैव ओमिक्रॉन भूताणु चिन्हट वर्षा साजिला काल नुआपड़े अदिनिया वर्षा बढ़ाला चाषी चिंता उजुड़ी पर सहित डाली जातीय फसल क्षयक्षतिर आकलन सहित क्षतिपूरण दाबी राजधानी प्रेस छक छुरामाड़े युवकों मृत्यु मामला तीन युवकों अटक रखी शहीदनगर पुलिस पचराउचरा गोष्ठी संघर्ष को नहीं हत्याकांड सूचना नुआपड़ा धरमबंधा कुटरेंगापड़ा गांव में बुलू बाघ एक गाई को जंगल को टाणी नेला बाघ आतंक लोके घटनास्थल में बाघर पादचिन्ह ठाब कला वन विभाग आज देश पालुछि जातीय स्टार्टअप दिवस नव उद्भावन नहीं प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान स्टार्टअप हेब न्यू इंडिया आधार एणिकी प्रतिवर्ष जनवरी 16 तारीख में देश पाल नेशनल स्टार्टअप डे एवं राज्य में पुणि बढ़ शीत आभ्यंतरण ओडिशा रे कुहुड़ी रहिबो प्रभाव आसंता तीन दिन में 4-5 डिग्री खसिब तापमात्रा पंचायत निर्वाचन को नहीं केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन प्रस्तुति बैठक सद्भावना कक्ष में आयोजित सर्वदलीय बैठक में केवल कांग्रेस और बीजेडी सदस्य माने उपस्थित रही थे तेज तरबरिया भाव केन्द्रापड़ा एडीएम पीतांबर सामलक समेत उपजिलापाल निरंजन बेहरा सर्वदलीय बैठक को सारी अंपक्ष बीजेपी प्रतिनिधि विलंब में पहुंचा पर असंतोष व्यक्त कर जिला प्रशासन चंचकता कर संपर्क में अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि प्रभात रही प्रभात एते तरबरिया भावे जो मीटिंग को सारी दिगला सर्वदलीय बैठक को सारी दिगला जार अभियोग बीजेपी प्रकृत में कार्यक्रम कौन थी कार्यसूची तो थी निश्चित भाव में समय निर्घंट कर समय बैठक हम जदि कौन दल गोटे आसनी अपेक्षा नक कहीं तरबरिया भाव बैठक को जल्दी जल्दी सारी दिगला जहाँ अभियोग करजेपी रिजन कौन किसी जमापड़ कि कारण देखो लीलिमा कह सिर्फ 15 मिनिट केवल 15 मिनिट रे सरला सर्वदलीय बैठक तो निश्चित भाव में आम कहून से जिते कह कांग्रेस प्रतिनिधि दल अभोग करजेपी जो प्रतिनिधि सी अभोग कर वास्तव क्षेत्र जब आम कह तेज बीजेपी एवं कांग्रेस तो जिते कह कांग्रेस एवं बीजेपी बीजेडी तीनो जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी रही अंप सीपीआई सीपीएम रही तेज सर्वदल बैठक में समस्त राजनैतिक दल बसवार आवश्यकता रही बैठक में तेरे जिला प्रशासन तरफ तरबरिया भाव जो प्रकार निष्पत्ति या मानते समस्ते या निश्चित निंदा प्रस्ताव दौरान कारण ये कांग्रेस और बीजेडी सलाह सुतरा चली राज्य किसान सेल सभापति सरी राज्य क्षमा करेंगे राज्य किसान सेल उपसभापति जी अच्छा संतोष बेहरा सी सीधा साल अभियोग करुछन्ति कारण एटी बीजेडी एवं कांग्रेस सलाह सूत्रा रे मीटिंग टी समापन होती तेज ये जितेबाला आम एडीएम पीतामर सामल को प्रतिक्रिया देवाक चेष्टा करूँ सी सीधा साल कहते आम सबको इनफर्म देलु और कहीं आसिले तेज अंपक्ष जिते कह सीपीआई नेता अच्छा कि सीपीआईएम अच्छा कि जनशक्ति पार्टी जो लिडर्स मैंने सी अभोग कर कारण ये जिला प्रशासन एवं बीजेडी एवं जे कांग्रेस तीन जन सलाह सूत्रा कराई जहाँफल पंचायत निर्वाचन को नहीं रणनीति कौन चली केवल जिला प्रशासन बीजेडी आउ कांग्रेस मध्य रही सीमित तबे समस्त घटना को जब आम तर्जमा करवा नीलवा तेज कह गाइडलाइन रही कोविड प्रोटोकॉल रही अन्य प्रकार कह जो रही जो प्रार्थी मैंने किभ प्रचार करेंगे केते जन को नहीं प्रचार करेंगे एने सब दल साधारण जनता आवश्यकता रही अन्य प्रकार कह शांति कमिटर बसवार आवश्यकता रही तेज दुईट दल को नहीं किभली भाव एडीएम एवं उपजिलापाल कले प्रस्तुत बैठक एने की बर्तमान केन्द्रापड़ असंतोष वृद्धि पाँच नीलवा तो किंतु ये 15 मिनिट रे बैठक कहीं सारी दिगला एने कि प्रतिक्रिया नाक चेस्टा करते कि ना प्रतिक्रिया मिललानी जे एत तरबरिया भाव मात्र 15 मिनिट्रे एत बड़ा इलेक्शन हाँपाई जाऊँगी सर्वदलीय बैठक समस्त मतभेद भी थपे भितर किए कौन मतामत 15 मिनिट्रे बैठक सारीदा निहत भाव गोटे आश्चर्यजनक कथ तो एडीएम कि प्रतिक्रिया मिल पार्टी प्रभात संपर्क में
हाँ आम एडीएम का प्रतिक्रिया मत नहीं एडीएम कहते कि आम समस्त इनफर्मेसन देलु तेब जदि इनफर्मेसन दे एडीएम तेज समस्त पहुँचवा पर समय निर्गण था साढ़े एगारटा तेज साढ़े एगारटा पूर्व बैठक आरंभ हो जाता जितने कह बीजेपी प्रतिनिधि दल एगारटा पैंचाश एगारटा पैंचाश में पहुँचे तेज आम देखी से मीटिंग ऑलरेडी सरी जाइला तेज से अच्छा अभिमन्यु गच्छात सी अभियोग कर पंदर मिनिट्र जो समय रही तेज अनेक जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी रही समस्त भितर आलोचना होता है गोटे परामर्श होता है केत आगामी समय कहता सर्वदल जिला प्रशासन जो जो पार्टी प्रतिनिधित्व करेंगे कैंडिडेट देवे से पार्टी अधीन जो मैंने आसवे तो यहाँ केमी निर्वाचन सुचारू रूपे हम तो ये से सर्वदल बैठक कितु मात्र दुईट दल को नहीं तरबरिया भाव मानते बैठक सारीदे मानने कौन राजनैतिक निश्चित भाव में संतोष बेहरा जो अभियोग कांग्रेस रो जे किसान सेल रो उपसभापति अच्छा राज्य से सीधा साल कहते कि बीजेडी एवं कांग्रेस एटी केन्द्रापड़ा पूरा ऑलरेडी सेल हो जाए सला सूत्रा चली कारण सी मध्य जो जिला परिषद कैंडिडेट मानक बीजेपी सॉरी क्षमा कर कांग्रेस कांग्रेस और बीजेडी जितेबाला जिला परिषद सदस्य और सरपंच समिति सभ्य को लेकर गोटे अंक कसा जाए जहाँफल जिला प्रशासन जो रही मधुचंद्रिका स्पष्ट जना पड़ चल संतोष बेहरा अभियोग कर सामान तर्जमा को जो कह एडीएम कह कथा जे कि आसिलेनि जिलापा छुट्टी अच्छा एमती कही माने आमर जो प्रतिक्रियाटा को आड़े निहाती भाव तो देखार कथा यही घटना आग को क्यों मोड़ नौ कारण जो अभियोग बीजेपी की जाणीबुझ जिला प्रशासन यह पदक्षेप नहीं तरबरिया भाव ए बैठक को सारी दि जाए तेज प्रकृति में कहीं जल्दी सारी दिगला बैठक आउ गोटे प्रतिनिधि दल पहुँचा आगु निहाती भाव में तदंत सापक्ष देखार कथा घटना आगे क्यों मोड़ नौ धन्यवाद प्रभात प्रतिनिधि प्रभात लिंगा पंचायत निर्वाचन को नहीं केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन प्रस्तुति बैठक सद्भावना कक्ष में आयोजित सर्वदल बैठक में केवल कांग्रेस और बीजेडी सदस्य मैंने उपस्थित थे तेज तरबरिया भाव केन्द्रापड़ा एडीएम पीतांबर सामल समेत उपजिलापाल निरंजन बेहरा सर्वदल बैठक को सारी अंपक्ष बीजेपी प्रतिनिधि विलंब में पहुंचा पर असंतोष व्यक्त कर जिला प्रशासन चंचकता कर निर्वाचन आचरण विधि विषय आमको जनइले कि भाव में अबाध निरपेक्ष निर्वाचन परिचालन हाव एवं आमर सहयोग कमी रहीपाई से आम पाखे अनुरोध रखिले आज पर गाइडलाइन पंचायत राज त्रिस्तरीय पंचायत राज निर्वाचन करने समस्त पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि मैंने उपस्थित थे जिला प्रशासन से अनुसार गाइडलाइन दे जो अमेंडमेंट कर पचर से कपी धरले कहले ये पांच जन को लेकर केवल प्रार्थी मुवमेंट करा कि पांच दल सब दल पांच रु अधिक रही पारे ना स्मूथ कंडक्ट हम पब्लिकली कौन सी एफिक फेफिक किसी पोड़ा जा पार ना क्या इनसल्ट कर जहाँ आज पर गाइडलाइन अच्छी सीआक माणिकी निर्वाचन परिचालना निर्वाचन शेष पर्यटन कार्य करने जिला प्रशासन समस्त पॉलिटिकल पार्टी प्रतिनिधि मान को गोटे अपील रखी आम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में बतीसटा जाक जोन केन्द्रापड़ा अच्छी और बतीसटू बतीसटा जोन विजु जनता दल निश्चिंत भाव में बाजिमात कर यह आम आशा और दृढ़ विश्वास जो साधारण निर्वाचन आचरण विधि एम सी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तापर आलोचना करा सहित आम सतर रु एक भितर आम जो एंटायर डिटेल आम जो शेड्यूल अच्छी निर्वाचन कमिशन जो नोटिफिकेशन तापर आलोचना कर एवं सेमर आसंता सतर एक भितर आम नोमेसन फाइल हे से नोमेसन केमी क्लीयर भाव में नोमेसन करेंगे समस्त पार्टी एवं नंबर ऑफ पार्टिसिपेट रे कैंडिडेट से मानकर प्रार्थीपत्र दाखल करेंगे एवं आगामी निर्वाचन से माने भाग नेबे एवं आम को भल वार्ड मेम्बर ठार आरंभ कर जिला परिषद मेम्बर पर्यंत सिलेक्टेड कैंडिडेट केमी आसवे एवं लोक मैंने प्रशासन सुविधा पाई से आज मीटिंग आह्वान कर अभिमन्यु गच्छा जिला साधारण संपादक बीजेपी आज जो सर्वदलीय बैठक डकाई जिला प्रशासन तरफ
अत्यंत तरबरिया भाव मात्र दुईट राजनीतिक दल उपस्थित होगा समय मात्र 15-20 मिनट बैठक समाप्त होवर्त समय आसी जोजोग कर आज बैठक बरणी आम प्रदान कर केन्द्रापड़ार स्थित कौची कांग्रेस थिला कांग्रेस अच्छी कांग्रेस रहिब वर्तमान केन्द्रापड़ार जो मैंने नहीं दायित्व नहीं कि मुहूर्त भितर ये इलेक्शन पर हूँ तो मुझे भावुची से जो भाया जाल पकाचं से बीजेडी आड़ बीजेडी मुहाँ धर अमानिया शासक दलर कर्मी मानुना कोविड कटका भूली जाइंट सामाजिक दूरता जगत सिंहपुर जिला बालिकुदा ब्लक अलाबोल पंचायत पंचायत निर्वाचन सरपंच टिकेट बंटा को केन्द्र कर विजु जनता दल कर्मी मध्य गंडगोल हो आशायी प्रार्थी टिकेट पर गंडगोल कर भिडियो एवं भाइराल होगा लगी ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि तापस दास रही तापस ये जो भिडियो भाइराल हो टिकेट बंटा कौन रही घटना ये घटना के सत्यता रही देखो नीलिमा जगत सिंहपुर जिला जो बालिकुदा ब्लक रही बालिकुदा ब्लक जो अलाबोल पंचायत रही अलाबोल पंचायत रे कर्मी मानक मध्यरे बेस भिड़ रही देखा मिलूँ कहीं सरपंच निर्वाचन समय आई समय सरपंच आशायी प्रार्थी मैंने जो जो टिकेट बंटा हो बेस भिड़ जमाई गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ प्रशासन पक्ष जहाँ गाइडलाइन कटका कर समस्ते सामाजिक दूरता रक्षा करेंगे मास्क पिंधे कितु तार एक अन्य चित्र देखा मिलूँ कई मास्क पिंधि ना समस्त मध्य सामाजिक दूरता ना टिकेट बंटा को केन्द्र उभय गंडगोल देखा मिलूँ गोटेपटे कहीपर सरपंच पाखापाखि 8-9 आशायी प्रार्थी मैंने घटनास्थल में उस्थित रही अंपटे आम खाली जगत सिंहपुर बालिकुदा कथा कहीपर जो जगत सिंहपुर जिला रही जगत सिंहपुर निर्वाचन मंडल रही सेठाकर जे विधायक रही प्रशांत मुदुली रही सी प्रत्येक पंचायत बुलूं प्रत्येक पंचायत बुली समस्त सर बैठक करती गाइडलाइन रही सामाजिक दूरता रखा ताकि करूना अंपटे कहीपर विभिन्न स्थान में आशायी प्रार्थी मैंने जो बीजेडी कर्मी मैंने रही गंडगोल कर टिकेट पर आशायी रोचे अंपटे आम कहीपर गत दिन में आम खबर प्रसारण करूँ जगत सिंहपुर जिला जो आपणकर जो मंडा साई पंचायत रही मंडा साई पंचायत सामान दृश्य देखेलु टिकेट बंटा को केन्द्र कर विधायक लोक विधायक स्थानीय अंचलवासी मैंने प्रश्न करते यार भितर कौटना कौटी समेत सामाजिक दूरता भूली जाऊँच मास्क पिंधुना गंडगोल करज निज भितर बे झगड़ा कर देखा मिलूँ नीलिमा तो ये परिस्थिति केमती रही कारण जहाँ आम भिजुआल देखिपे कि बेस गंडगोलिया परिस्थिति रही उत्तेजनामूलक परिस्थिति रही तो ये स्थिति केमती रही देखो नीलिमा ये जो भिजुआल जगह बयान करुच्ची कौटना कौटी अमान्य शासक दल कर्मी मैंने कोविड कटका को भूली जाऊँ टिकेट पर कि निज निज भितर गंडगोल कर देखा मिलूँ बे जो भिड भाइराल होड ही बयान करुच्ची दृश्य सामाजिक दृश्यर यही भिड ही बयान करपटे आम कहीपर यह खाली आज दृश्य नुह किसी समय पूर्व यही भिड बे विभिन्न प्रकार सोशियाल मीडिया भाइराल हो देखा मिलूँ अंपटे आम कहीपर स्थानीय शासन प्रशासन कौटना कौटी शासक दल में बे प्रभावित होजी मानो पाखरे पहुंच नै किबा आंकु बारण मध्य करू नै नीलिमा धन्यवाद तपस रेटलम प्रतिनिधि तपस दास साधारण लोकों पर नियम मंत्री नाही नियम कोरोना कटकणा को फू करदे खोद स्वास्थ्य मंत्री नव दास झारसुडा लईकेरा ब्लक मयूरढीपार जंघा बड़देव पीठ से एक धार्मिक कार्यक्रम में जोगद मंत्री गोटेपटे कोरोना महामारी संक्रमण सारा राज्य में व्यापक रूप धारण कर सरकार कटक लगे अंपटे खोद शासक दल मंत्री ही यार उल्लंघन कर गेरुआ रंगर धोती पिंधि आदिवासी आराध्य देवता जंघा बड़देव प्रतीक धरी नव दास नाचुवर दृश्य क्यमेर में कैद हो स्वास्थ्य मंत्री निजे ट्वीट करी लोके कोविड कटका को पालन अपील करता बेले केमी हजार हजार लोकों गहर उपस्थित होते बड़ प्रश्नवाची सृष्टि कर राज्य सरकार निजे कोरोना पर गाइडलाइन जारी करछंती बोधहुए साधारण लोक अलग सरकार सरकारी मंत्री जो मैंने मंत्री मान बोधे अलग नियम कारण विगत दिन में भी जब भी कोरोना गाइडलाइन झारसुगुड़े प्रथम नव दास झील उल्लंघन करथर मध्य 6 तारीख दिन प्रथम ट्विट कले निजे स्वास्थ्य मंत्री मु कोरोना पीड़ित एवं 12 तारीख दिन निजे प्रेस मीट करी लोक मानते थी ये कि भाया कोरोना प्रोटोकल एवं गत काली जो भाया भाव में से कोरोना प्रोटोकल को उल्लंघन कर गोटे पटे ट्विट करी निजे कहते समस्ते प्रोटोकल फॉलो करूँ उपदेश दौरानी उपदेश लागू नुह कि जदि नुहे ताहले सरकार तुरंत एक्शन नियंतु स्वास्थ्य मंत्री विरुद्ध एफआईआर रुजु करा जाऊ एवं तांकु दृष्टांतमूलक एक्शन निया जाऊ जहाँ फल रे कि समस्ते कोरोना प्रोटोकॉल को मागिबे एवं मु
निर्वाचन कमिशन को मध्य अपील करने चाहे जेहेतु एवं निर्वाचन घोषणा होती पंचायत एरिया घटना घटी स्वास्थ्य मंत्री विरुद्ध तुरंत ये संज्ञान में नहीं कि निर्वाचन कमिशन एक्शन नि लोकों कोविड ना कि मंत्री किसी ना यहाँ गोटे आश्चर्यजनक कथा अच्छी स्वास्थ्य मंत्री होकर जदि यही प्रकार व्यवहार करुँचे साधारण जनता को कौन आम कहीपर आज शासन प्रशासन जहाँ करुच्ची 500 टका बाटक चलने मास्क न लगे फाइन जहाँ कले फाइन 5 लोक हो गले फाइन ए सरकार बिल्कुल केमती लोक को मारणा नीति चलती आज स्वास्थ्य मंत्री बुली बुली डांस करुँचना नाचुचार यहाँ लज्जार विषय आसंता काली ओडिशा आसिबो ओमिसोर किट फर्स्ट फेज रे किछि किट ओडिशा को देबो टाटा एमडी ओमिक्रॉन भूताणु चिन्हट करिबो ओमिसोर किट आउ जीनोम सिक्वेंस रो आवश्यकता पड़बनी टाटा एमडी को 5 लाख किट पई ऑर्डर देछन्थि राज्य स्वास्थ्य विभाग एने स्वास्थ्य विभाग पक्षरु सूचना दिया जाय छि राज्य उपरुहा कोरोना संक्रमण 11,000 टपिला दैनिक कोरोना संक्रमण गत 24 घंटे ओडिशा 11,177 आक्रांत चिन्हट होती से 6,479 जन क्वारंटीन बाकी 4,698 लोकाल केस सर्वाधिक खोर्धार 3,424 पजिट चिन्हट होती द्वितीय रही सुंदरगढ़ 2,136 संक्रमित चिन्हट होती सेपरि अनुगुल जिलूर 132 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होता बेले बालेश्वर 342 बरगड़ 123 पजिट चिन्हट भद्रकु 92 बलांगीर 312 बौद्ध 71 देवगढ़ 25 ढेंकानाल 65 गजपति 73 गंजाम 108 जगत सिंहपुर 164 जाजपुर 179 झारसुगुड़ 193 कलाहांडी 173 आक्रांत चिन्हट होती रायगड़ 184 संबलपुर 379 सोनपुर 238 जन चिन्हट होती राज्य में कोरोना आक्रांतों संख्या 11,33,912 पहुंचा बेले 10,55,615 जन सुस्थ हो सारे राज्य में 69,763 जन कोरोना आक्रांत हो चिकित्साधीन अच्छा अंपक्ष मृत्यु संख्या 8,481 को वृद्धि पाई दिनिकिया नुआपड़ा गस्तरे पुलिस महानिर्देशक सुनील कुमार बंसल ए गस्तरे से विभिन्न उन्नयनमूलक काम सहित माओ मुकाबिला परे समीक्षा माओ अंचल रे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को ने आलोचना करिवे पुलिस महानिर्देशक हेबा परे प्रथम थर पई नुआपड़ा गस्त करछन्ते सुनील कुमार जानबा को पाइथली कि जो एठी के फोर्स हमर अछन्ती एसओजी फोर्स अछि से भलो ऑपरेशन ता गोटी लॉन्च करथली बॉर्डर एरिया रे सेठे एक्सचेंज ऑफ फायर है अमर जो पे अमार जो फोर्सेज अच्छा से भल भाव रिटालिएट कले और जहाँ आम जानवाक पाइल से भी इंजरी कि कैजुअल्टी इनफ्लिक्ट करूँ से मैंने से बोधे नहींगले आम पे भल भाव जीतु जेहेतु अपरेसनटा कले आमर कि हानिटा ए विषय है तेणु मु समस्त को इठी आसिकरी बधाई देछि ता छाड़ी करी वर्तमान किसी दिन परे हमें पंचायत इलेक्शन हेबा को जाउछि तेणु ए डिस्ट्रिक्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और एथरे जो कानून व्यवस्था अछि आईन व्यवस्था अछि से का भल भाव रे जगी के रहबार दरकार अछि सेती लागी करी मु हमर जो एसपी साहब अछंती ता संग रे गोटे मीटिंग रखी थिली मीटिंग रे हमें फोर्स रा केमती डिप्लॉय करिबू कौन कौन पदक्षेप नियाजिबो से विषय रे मध्य चर्चा हला ता छाड़ी करी जहाँ जनरल क्राइम सिचुएशन अच्छी से वर्तमान रे नुआपड़ा रे पूरा पूरा कंट्रोल रे रही छी जो ओवरऑल जो आईन व्यवस्था अच्छी और जो ओवरऑल क्राइम पोजिशन टा अच्छी से था को भी रिव्यू करा गला नुआपड़ा रे अदिनिया वर्षा भांगी देछि परिबा चासिंग को मृत्युदंड बिलाती प्याज मुग चणा भली फसल वर्षा रे नष्ट हो जाइछि जिले रे किछि दिन हला लगाण वर्षा जुगु कुमना ब्लॉक नुआगा पंचायत रो प्याज एवं डाली जातीय फसल प्रभावित होइछि सेपरि धान मुग बिरी हरड़ भली विभिन्न चाष मध्य नष्ट हो जाइथिबा देखिबा को मिलिछि धास करज करी चाष करथिबा चासिंग को दुख बे दुगुणित हो जाइछि तेबे जय किसान मजदूर संग्राम परिषद आवाहक जदुमणी पाणिग्राही चाषी सहित देखा कर यथाशीघ्र क्षयक्षतिर आकलन कर क्षतिपूर्ण दावी करपटे जिला कृषि अधिकारी कहते आम यथाशीघ्र चाषी क्षतिपूरण चेष्टा कर
ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଜିନ୍ଦଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଲ୍ପର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗୋପୀନାଥପୁର ଜିନ୍ଦଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଟାଙ୍କିଠାରୁ ମାତ୍ର 30 ମିଟର ଦୂରରେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ହେଲ୍ପର କାଳିଆ ସାହୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି କାମରେ ଆସୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଲିପସି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫଫଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ହାତୀଘିଞ୍ଚା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଚଳ, ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧାଖଣ୍ଡିଆ କାମ କରି ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଫଳରେ 2,44,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫଳକ ଲଗାଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ହରିନାରାୟଣ ଗଡ଼ନାୟକ। ଖୋଦ ପାଲଲହଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଧାୟକଙ୍କ ନଜରରେ କିଭଳି ଆସୁନି ନା ଠିକାଦାର ବିଜେଡ଼ିର ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବ ସଭାପତି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଗାଁର ଟିକେ ମୋ ଗାଁ କାମ ପାଇଁ କିଛି ମିଟିଂ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ମିଟିଂ ହିସାବରେ ଥିଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲର ଛୁଟି ସମୟରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ମାଗିକିନା ଆସିକିନା ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଏକ ଗଲା ଟାଇପ୍ର ସେ ଏକ ଗଲେ ଏକ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମରେ ଯୁଡ଼େ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର SBI ଲକରୁ 1 kg 600 g ସୁନା ଚୋରି ଘଟଣା। ବ୍ୟାଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜର ଗିରଫ, ମେସେଞ୍ଜର ଶେଖର କୁଲଦୀପ ଗିରଫ। ତାନିକୋଟରୁ 1 kg 199 g ସୁନା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ସମେତ 10,600 ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମରା ରେଲୱେ ଫାଟକରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଅଣ୍ଡରପାସ୍, ଏଥିପାଇଁ ରେଳ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ। 95 ନବଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜୁଜୁମରା ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ରେଲୱେ ଫାଟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମ୍ବଲପୁର ଅନୁଗୁଳ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରେଲୱେ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବାରେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେବ ରେଲୱେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୁଜୁମରାବାସୀ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଜୁଜୁମରା ଫାଟକରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାତି ହେଲେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ମୁହାଁ। ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉପଜାଇଥିବା ଫସଲକୁ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଚାରଖାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ହାତୀପଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜ ଝାଳିଆଗୁଛାରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। କେଉଁଠି ଧାନ ଗଦା ବିଛୁରି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଆଖୁ ପଦରଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି କଦଳୀ ଗଛ ଓ ସପୁରି ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଏଣେତେଣେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହାତୀ ପୋଲ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାରନାମା, ଏପରିକି ଘରେ ପଶି ମଧ୍ୟ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଖାଇଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବେ ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଲାଣି ହାତୀ ପୋଲ। ସଞ୍ଜ ନଉ ନଉ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଜନବସତି ମୁହାଁ, ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସାନ କୋଦଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଗମ୍ଭାରୀଗୋଛା ଗାଁରେ ହାତୀର କ୍ଷତି ଆଉ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରାଯାଇଥିବା ଆଖୁ ଚାଷ ଏବେ ହାତୀ ମୁହଁରେ ଗଲାଣି। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବା ଆଶାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉପୁଜାଇଥିବା ଫସଲକୁ ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଉଜୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତୀ ପୋଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। କ'ଣ କହୁ, ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆମେ ଯାହା ଧାନ ଫସଲ ତ ଖାଇଲା ଖାଇଲା, ଆଉ ଆଜିକି 5-6 ଦିନ ହେଲା ହାତୀ ଆସିକି ଉପଦ୍ରବ୍ୟ କରୁଛି, ଧାନ ଯାହା ଖାଇକିରି ନଷ୍ଟ ହେଲା ହେଲା, ଏବେ ଆଖୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଆଇ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ନେଇ ସେ କଥା, ଆମେ ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି ସବୁ କରିଛୁ, ସେଟା ସୁଝିବୁ କେମିତି, ଏତେ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ଆଖୁରେ। ଚାଷୀକି ଯାହା ହେଲେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିଛି କିଛି ଦେଲେ ସିଏ ଯାହା ଇଏ ହେଲା ଉପକୃତ ହେଲା, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରେ ଚାଷୀ ତ ଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ସିଏ କିଛି କରିପାରିବନି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ବହୁତ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକରି ବହୁତ ହାଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି। ପରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। କୋବି, ବାଇଗଣ, ମୂଳା, ବିନ୍ସ ଭଳି ପରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତୀ ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଛି। ଚାଷୀମାନେ ରାତି ଉଜାଗର ରହି ହାତୀ ପଛରେ ନିଆଁହୁଳା ଓ ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼ାଇ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ହେଲେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝାଳିଆ ଗୋଛା ନିକଟ ଚୁନପଲ୍ଲି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଗାଁର ଚାଷୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଜିନିଷପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ହାତୀପଲ। 47 ଭରଣ ଧାନ ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି, ଧାନ ମଣ୍ଡିକି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିର ଯେହେତୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା 7 ତାରିଖ, ମୋତେ କହିଲେ ଯେ 2-4 ଦିନ ପରେ ଯିବ, ସେଥି ଭିତରେ ହାତୀ ଆସିକି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଆସିଥିଲା, ବୋରିଂ ଆସିଥିଲା 4ଟା, ମୋର 63ଟି ପାଇପ୍ ମିଳିଥିଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ପାଇପ୍, ସେ ପାଇପ୍ ସବୁ ମୋର କୁଚକୁଚା କରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପ୍ରାୟ 40-50 ଗଛ ଖାଇଛନ୍ତି, କଦଳୀ ଗଛ 200 ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସପୁରୀ ଗଛ ପାଖାପାଖି 2000 ହବ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୋର ବଗିଚାଟା ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତୀଙ୍କ ଏଭଳି ଦୌରାତ୍ମକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆତଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷତି ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି ହାତୀ ପଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ 22 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍ କରି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।